है, लेकिन मुर्गी को प्रेशर कुकर में बनाना, या मतलब आई डोंट कुक आलू गोश्त इन अ प्रेशर कुकर, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन कि मतलब इट शुडंट टेक एजेस टू. यहाँ तो यूके में तो गैस वैस का मसला नहीं है, तो पाकिस्तान में तो ये भी इशू है गलने का, लेकिन आई थिंक यही प्रॉब्ली आप आलू आपके आने से पहले रेहान हम बिल्कुल यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तानी गोश्त जो है ना वो गलता नहीं है, बहुत मसला होता है, इसलिए मेरा ख्याल है प्रेशर कुकर यूज होता है. मैं पर्सनली भी प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करती. अच्छा, दो चीज़ें, एक तो आपने कहा मतलब आलू गोश्त की आपने डिटेल दी, हमारे साथ जो है प्लीज़ रेसिपी शेयर कीजिए, और दूसरी चीज़ मेरे साथ जो बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो ग्रेवी की थिकनेस है ना उसकी भी बताइए डिटेल और टिप दें कि वो बेस्ट कैसे हम जो है उसको अचीव कर सकते हैं. तरी का भी मसला ऊपर. अच्छा, अच्छा, मैं एक ऐड कर दूं, दीजिएगा एक क्वेश्चन और. मैं आपको वेरी क्विकली ये बताऊं कि मैं पाकिस्तानी अम्मियों की तरह कुक करती हूं, तो मैं जिस तरह कुक करती हूं उसकी रेसिपी वो कोई हिसाब से नहीं, मतलब कोई चम्मच वम्मच वाला कोई ड्रामा नहीं है, यानी कि ये मत पूछें कि वो, बस मैं नजर से करती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है. मेरी अगर बच्चे बड़ा इरिटेट होते हैं इससे, क्योंकि यू नो आई वुड नॉट इवन, बस आई नो कि बस इतना गोश्त है और इतना आलू है और इतना नमक है, हर चीज़ हिसाब से करती हूँ. मेरा रेहान से एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन. रेहान, जैसे आप यहाँ इस्लामाबाद में भी रही हैं और आप बाहर भी रहती हैं, तो आपने क्या फ़र्क पाया है इस्लामाबाद के आलू गोश्त में बनाने में और बाहर के बनाने में, कोई डिफरेंस है इनकी? देखो, पाकिस्तान में ना जो सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. फॉर एग्जांपल आलू का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, गाजरों का टेस्ट अच्छा होता है. इस्लामाबाद में थोड़ा सा वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन अगर आप वो ऊंची दुकान वाली बात, तो आई थिंक ऑर्गेनिक. अगर हमारे घर का ये तरीका है कि अक्सर तो गांव से आता है, जैसे भाई मेरे बता रहे थे कि बालाकोट से, तो हमारी जैसे लहसुन आप जिसको कहते हो हम उगा कहते हैं, वो भी गांव से आती है, उसकी जैसी खुशबू है, वो फ्रेंच गार्लिक की तरह है. आई एम अ वेरी ह्यूज बिलीवर इन गाँव वाली चीज़ें, गाँव का आटा, गाँव की लस्सी, गाँव का लहसुन, गाँव के गंदों का साग बहुत मशहूर है हमारी साइड पे. आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, पर हम लोग गंदों का साग कहते हैं उसको हजारा साइड पे, तो वो भी गाँव से आता है. एंड आई रियली डू थिंक कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से जो चीज़ें बनती है ना, ये आलू या गाजर, उनमें वाकई टेस्ट अच्छा नहीं होता. आई डिडंट फाइंड मच डिफरेंस. गोश्त की जो बात करी थी ना आसमा, दैट्स ट्रू. गोश्त की क्वालिटी पाकिस्तान में आई फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि यहाँ पे गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. एंड द मेन डिफरेंस आई फाउंड वाज के वहाँ यहाँ अगर आपकी गैस, आसमा को पता होगा हर विलेज में, जैसे मैं आप विलेज में रहती हूँ तो गैस मुझको लगवानी पड़ रही है, क्या गैस नहीं है इन द लाइक कुकर जो है वो इलेक्ट्रिक है, एंड आई डोंट लाइक कुकिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक और हैलोजन, मुझे लगता है नहीं अच्छी, मतलब सालन अच्छे नहीं बनते हैलोजन या ये जो सिरेमिक हॉब्स हैं. लेकिन पाकिस्तान में तो एक्चुअली इट्स नॉट द गोश्त, इट इज़ ऑल्सो द गैस, बिकॉज वो इतनी वीक आती है, वेरिएबल आती है कि वो यू नो 15 मिनट तो आपका पानी नहीं उबलता, तो यहाँ पे तो वो मसले नहीं है ना. दूसरा, साफ सुथराई गोश्त, आसमा आपको बताएंगे, मतलब मुझे कभी ऐसा चाहे हलाल गोश्त वाली शॉप्स हों जो हमारे पाकिस्तानी बुचर्स हैं वो, या जो आजकल अब सेंसब्रीज वगैरह में भी हलाल पैक्ड मिलता है एक दो ब्रांड्स के, लेकिन कभी गोश्त में मसला नहीं रहा. पाकिस्तान में बड़ा वेरिएबल है. इस्लामाबाद में मतलब एक ही जगह का गोश्त मुझको पसंद था, मीट वन का, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ लिटिल बिट ऑन द प्राइसी साइड, लेकिन इट्स वेरिएबल के गोश्त कैसा आएगा, सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स. अगैन बीइंग पश्तून, गोश्त की भी आपको पहचान होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में ज़बा वगैरह कराते हैं, तो हमको बचपन से आइडिया होता है कि ये देख ही के आपको पहचान लेते हो कि गोश्त अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्वालिटी कैसी है. दैट इट रियली आई थिंक इट जो भी आपका एंड प्रोडक्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट यू पुट इन. सो आई एम अ ह्यूज, जैसे हमारे घर में, मेरे घर में पैकेट वाला मसाला नहीं इस्तेमाल होता, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता. एवरी थिंग इज ब्रॉट इन, मतलब पीस के ग्राइंड करके, इवन काली मिर्च इज ग्राउंड इन द मॉर्निंग, नॉट पाउडर्ड. अच्छा, जैसे ये कहते हैं नहारी के लिए थाए का गोश्त होना चाहिए, इसी तरह कोई है कि आलू गोश्त अगर बनाना है तो कोई स्पेसिफिक गोश्त होना चाहिए उसके लिए, किसी हिस्से का जो ज्यादा अच्छा लगे? मैं तो जी ज्यादातर बड़ा लीन इस्तेमाल करती हूँ, तो वो उनको लीन बीफ, और एक्चुअली कल रात ही जो मेरी बेटी ने मुझे कहा, तो मुझे कहने लगी कि लैम्ब बड़े अरसे से नहीं बना, तो मैं, हमारे घर में बीफ का भी आलू गोश्त बनता है और लैम्ब का भी बनता है, तो लैम्ब अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वो जरा स्लो आपको बनाना पड़ता है, लेकिन लेग ऑफ लैम्ब का अगर इस्तेमाल करें तो उसका अच्छा आता है, बिकॉज लैम्ब बड़ी, यहाँ का जो लैम्ब है फौरन बहुत जल्दी नरम हो जाता है.
सालन में जब आप बना रहे हो, ऐसे भी द लैम्ब इज बिकॉज इट्स स्प्रिंग लैम्ब, इट्स नॉट मुड्डा लैम्ब नहीं होता, इट्स नॉट मटन, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट. लेकिन बीफ में बड़ा लीन इस्तेमाल करते हैं. भूनते में ही ना गलना शुरू हो जाता है वो थोड़ी सी देर में ही. हाँ, वो कोई पूछा था तो मैं ज्यादा पानी नहीं यूज करती कुकिंग में, किसी कुकिंग में भी. आई टेंड टू कुक वो, मैं टमाटर वाली इसलिए जोक सुनाया बिकॉज कोई पुरानी पास्ट ट्रॉमा मुझे याद आ गया था. तो बेसिकली फूड जनरली शुड बी कुक्ड विद अ लॉट ऑफ लाइक, मतलब टमाटर